डिजाइनपुर में माई नेम इज शिवानी मिश्रा। आज हम बताएंगे टॉप की डिजाइन जो बहुत ही लेटेस्ट है और बहुत ही ब्यूटीफुल दिखती है। ये टॉप आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और ये टॉप बनाना बहुत ही इजी है। तो मैं आपको बहुत ही इजी मेथड से इस टॉप को आज बताने जा रही हूँ। इस वीडियो क्लास से जरूर वॉच कीजिएगा और इस टॉप को जरूर बनाइएगा, तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरी ये टॉप जो अच्छी लगे तो प्लीज जो ये इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, उसके साथ में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी टॉप की डिजाइन कैसी लगी। और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, तभी मेरी कोई जो न्यू वीडियो रहेगी उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सकेगी। तो चलिए हम आपको वीडियो की तरफ लेके चलते हैं और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपको टॉप बनाने बताते हैं कैसे इस टॉप को बनाया जाएगा। तो मैंने जो इस कपड़े को लिया है 1 मीटर ये कपड़ा है, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम कपड़े को फैला लेते हैं और इसका हम डबल पार्ट करेंगे। तो एक पार्ट जो है हम 47 इंच का कर लेते हैं, देख लीजिए 47 सेंटीमीटर का रहेगा सॉरी। और जो है दूसरा पार्ट जो रहेगा हमारा, देखिए 47 पहले जो है कट कर लीजिएगा, यहीं से देखिए मार्क लगा लिए 47 पे, हम कट कर लेंगे इसे। ये देख लीजिए एक पार्ट मेरा कट चुका है, अब दूसरा पार्ट हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए एक दोनों पार्ट मेरा कट चुका है, हम आपको साइज करके दिखा देते हैं। देख लीजिए इसका 47 सेंटीमीटर था और ये जो ये 44 सेंटीमीटर है। तो मैंने दोनों साइज आपको बता दिए हैं। अब पहले हम एक जो है ले लेते हैं कपड़ा, अब इसका हम आपको बताते हैं पूरी कटिंग करके। तो देखिए इसकी चौड़ाई जो मैंने रखी है वो 28 इंच है नीचे के साइड से। अब हम गले का साइज लेंगे, तो सबसे पहले हम जो 3 सेंटीमीटर का जो है एक मार्क कर लेंगे गले के लिए और 12 सेंटीमीटर का मार्क करेंगे गले की चौड़ाई रखेंगे। अब यहाँ से देखिए मैंने गले का डिज़ाइन दे दिया है, अब 12 सेंटीमीटर का एक और मार्किंग करेंगे। और इधर से भी हम यहाँ देख लीजिए, ये मैंने अभी आर्म का साइज दिया है और 12 सेंटीमीटर का यहाँ से भी साइज ले लीजिएगा। अब मैंने देखिए पूरा साइज ले लिया, इसे नीचे के साइड से मिला लेंगे। अब हम कट कर लेते हैं पूरा, जैसे मैंने साइज दिया सेम ऐसे ही कट कर लेंगे। देखिए मैं कट कर रही हूँ, यहाँ से हम निकाल लेंगे। नीचे के साइड थोड़ा चौड़ा रखिएगा, अगर आपको मन करे तो आप नीचे के साइड 32 सेंटीमीटर भी रख सकते हैं चौड़ाई, और भी अच्छी लगेगी आपकी टॉप। ये देख लीजिए मैंने पूरी कटिंग कर ली है एक पार्ट की, दूसरा पार्ट मैंने लिया है इसके ऊपर पहला जो मैंने कट किया था वही रख के सेम उसी तरीके से इसको भी कट कर लेते हैं। ये देख लीजिए मैंने दोनों पार्ट को अच्छे तरीके से कट करके पिन कर लिया है। अब नीचे के साइड से जो है हम मार्किंग कर देंगे। तो देखिए मैं दूसरे साइड से जो करीब 2 सेंटीमीटर का जो है लेस कर रही हूँ कपड़ा, तो यहाँ से मैंने निकाल दिया है। अब हम इसको निकाल के आपको दिखाते हैं अच्छे तरीके। तो देख लीजिए मैंने दोनों पार्ट की अच्छे तरीके से कटिंग की कर ली है। अब जो नीचे के साइड का कपड़ा है ये थोड़ा सा बड़ा हुआ है, इसका हम लेस करेंगे। तो हम 2 सेंटीमीटर साइड से लेस कर देते हैं। ये देख लीजिए मैंने लेस करके कपड़ा निकाल लिया है, अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो जो मैंने भी पिन किया था इसको हम निकाल के आपको दिखा देते हैं कपड़ा हमने किस तरीके से कट किया है इसको। तो देखिए मेरे दोनों पार्ट अच्छे तरीके से कट चुके हैं, हम आपको एक पार्ट अच्छे तरीके से दिखा देते हैं जिससे हम आपको स्टिचिंग करने में आसानी हो। देखिए एक पार्ट मेरा है इसको हम स्टिच करके आपको दिखाते हैं। सबसे पहले हम इस साइड की स्टिचिंग करेंगे, एक साइड की पहले स्टिचिंग आपको दिखा देते हैं फिर दूसरे साइड का दिखाते हैं। ये देखिए एक साइड की मैंने स्टिचिंग कर ली है, इसकी स्टिचिंग बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ही इजी है। अब दूसरे साइड की भी सेम ऐसे ही हम पकड़ के स्टिच कर देंगे। ये देखिए मैंने दोनों साइड की स्टिचिंग कम्प्लीटली कर ली है। अब यहाँ से हमें आर्म बनाना है, आर्म बनाने के लिए सबसे पहले हम इसकी पट्टी बनाएंगे। ये देखिए मैंने ये कपड़ा लिया है 4 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर का मैंने मोटा सा कागज कट कर लिया है और इसको मैंने 4 पार्ट्स में फोल्ड कर लिया है। इससे अगर आप बनाएंगे तो आपका जो ये पट्टी रहेगी बिल्कुल सेम साइज में बनेगी, इसीलिए मैंने इस कागज का यूज किया है। अब
देखिए मैंने फोल्ड कर लिया है कपड़े को इसके अंदर। हम ऐसे खींचते जाएंगे अंदर से और कपड़े को स्टिच करते जाएंगे। तो देख लीजिए, तो मेरा पूरा पट्टी जो है एक ही साइज में पूरा बन रहा है। ये देख लीजिए मैंने एक पट्टी पूरी जो है बना ली है कम्प्लीटली। ये पट्टी की साइज जो ये 40 सेंटीमीटर था, मतलब 14 सेंटीमीटर, तो हम 20-20 सेंटीमीटर का दो पट्टी कट कर लेंगे। ये देख लीजिए मैंने जो है 20-20 सेंटीमीटर, मतलब 20-20 सेंटीमीटर का दो पट्टी कट की है। अब हम कपड़ा ले लेते हैं टी शर्ट का, जो मैंने अभी टॉप कल बनाया था। अब हम टॉप के दोनों जो आर्म पे इसको स्टिच करेंगे पट्टी को, बिल्कुल कॉर्नर से लेते हैं पट्टी को, आपको स्टिच करके दिखाते हैं। एक साइड से देखिए मैंने स्टिच कर लिया, दूसरे साइड से भी स्टिच कर लेते हैं। मैंने कम्प्लीटली अच्छे तरीके से पट्टी को स्टिच कर लिया है। हम दूसरा पार्ट लेंगे और ऊपर के साइड से हम पूरा जॉइंट कर लेंगे। तो आपको दिखा देते हैं कैसे जॉइंट किया जाएगा। इससे पहले मैं आपको ये पार्ट अच्छे तरीके से दिखा देते हैं, ये पार्ट देख लीजिए। हम दूसरा पार्ट ले लेते हैं और इसके साथ जॉइंट कर लेते हैं। तो मैंने देखिए दूसरा पार्ट ले लिया, अब इसके साथ बिल्कुल बराबर में कर लेंगे डालकर, फिर इसके बाद इसे हम स्टिच करेंगे दोनों को साथ में। बराबर कर लीजिएगा, जहाँ से हमने साइड से स्टिच किया था वहाँ से बिल्कुल बराबर करते हुए फिर स्टिचिंग कीजिएगा। अब ऊपर के साइड से हम पूरा जो है गोलाई में इसको स्टिच कर लेंगे एक दूसरे के साथ मिलाते हुए। ये देख लीजिए मैंने जो है आर्म की साइड जो बनाया था और जो मैंने सब स्टिच किया, देख कैसे मैं स्टिच कर रही हूँ, सेम ऐसे ही आपको भी करना है। दोनों को, दोनों पार्ट जो मैंने छोटा बड़ा करके कट किया था उसको मैं ऊपर के साइड से स्टिच कर रही हूँ। कम्प्लीटली मैंने स्टिच कर लिया है, हम आपको उलट कर सीधा करके दिखाते हैं। ये देख लीजिए मैंने कम्प्लीटली इसकी स्टिचिंग कर ली है। अब नीचे के साइड का हमारा जो बाकी है बस, और इसके पूरा कम्प्लीट है ये। वो नीचे के साइड का दिखाएंगे आगे करके। ये देख लीजिए अब नीचे के साइड का कैसे बनाया जाएगा वो बताते हैं। अगर आपके पास पीको वाली मशीन हो तो आप पीको भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक न्यू ट्रिक बता रही हूँ जिससे ये टॉप जो है बिना पीको किए भी बिल्कुल पीको जैसा दिखेगा और खूबसूरत भी लगेगा। तो उंगलियों की सहायता से थोड़ा सा इसे देख लीजिए दबाते हुए गोल कर लीजिएगा। देखिए मैंने गोल कर लिया, बिल्कुल उंगलियों की सहायता से इसे रगड़ कर गोल कर लीजिएगा कपड़े को, फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देख लीजिए जब उंगलियों की सहायता से आप इसे रगड़ कर गोल करेंगे तो बिल्कुल पतला सा गोल होगा कपड़ा हमारा, और उसके बाद सिलाई लगाते जाएंगे तो बिल्कुल एकदम हमारा दिखेगा नहीं जो सिलाई लगेगा नीचे की साइड।
पार्ट मैंने जो है बना लिया है बिल्कुल अच्छे तरीके से। अब इसी तरीके से दोनों पार्ट मैंने बना लूंगी, जो हमारा एक पार्ट बाकी उसको भी सेम ऐसे ही बना लेते हैं। तो फिर आपको दिखाते हैं पूरा टॉप, तो देख लीजिए। अगर आपको मेरी ये टॉप की डिजाइन अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। उसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए मेरी टॉप बिल्कुल कंप्लीट है, आपको पूरा कंप्लीटली दिखा देते हैं। अगर आपको देखिए कोई मेरी डिजाइनर ड्रेस या ब्लाउज को आपको परचेज करना तो मेरे इंस्टाग्राम @design_2 को फॉलो कर लीजिए। आप मैं ऑनलाइन सेलिंग करती हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी हूँ, वहाँ जाके आप मेरी आईडी पे जा सकते हैं। देख लीजिए टॉप कितनी खूबसूरत है। अगर आपको मेरी टॉप अच्छी लगे तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, तभी मेरी कोई न्यू डिजाइन की नोटिफिकेशन आपसे पहले पहुंच सकेगी। मेरे इंस्टाग्राम आईडी के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाके मेरी आईडी पे जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।